तो नमस्कार दोस्तों, आज हम आए चंबर सागर कॉलोनी और यहाँ इस घर के अंदर कोई सांप है, तो चलिए पहले देखते हैं कौन सा सांप है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये एक धामन सांप है और इस वक्त इसे बहुत ही कम दिखाई दे रहा है क्योंकि ये अपनी स्किन को जो है रिमूव कर रहे हैं। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसके आप आंखें देखें, तो आपको व्हाइट कलर में दिख रही होगी इसकी आंखें, क्योंकि ये सांप अभी अपनी कैंचुली उतार रहा है और इसकी स्किन भी आप देख सकते हैं कि निकल रही है और इसकी नई स्किन आएगी। और इस समय सांप को काफ़ी तकलीफ होती है देखने में। तो दोस्तों हम इसको ज़्यादा देर परेशान नहीं करेंगे, एक बार आपको बता देते हैं कि इसे कहा जाता है रेड स्नेक, हिंदी में धामन, हिंदी में घोड़ा पछाड़। और ये सांप बिल्कुल भी विषैला और जहरीला नहीं होता। तो दोस्तों इसको जार में करते हैं और वापस अभी इसको हम प्रकृति में मुक्त कर देंगे। काफ़ी अच्छी साइज़ में हमें ये धामन सांप मिला है और इसकी पूंछ पर थोड़ी सी चोट है क्योंकि ये अभी देखा गया, तो आप देख सकते हैं थोड़ी सी इसकी पूंछ चोटिल है, कटी हुई है। तो हम इस पर थोड़ा सा टर्मरिक लगा देंगे, हल्दी का उपयोग करेंगे और फिर इसको नेचर में रिलीज कर दिया जाएगा। दोस्तों काफ़ी अच्छी लेंथ है इस धामन सांप की, काफ़ी हेल्दी सांप। तो चलिए दोस्तों इसको जार में करते हैं। Thank you.
तो दोस्तों हम आए थे चंबल मार्ग और फारूक भाई हैं, इनका हमें कॉल आया था और इनके घर के अंदर से पीछे के एरिया में हमें ये धामन सांप मिला है, रेड स्नेक। अभी हम इसको दोस्तों वापस प्रकृति में मुक्त करेंगे, तो बने रहिए वीडियो में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी पूंछ थोड़ी सी कटी हुई हमें मिली, तो अभी इसको हम हल्दी थोड़ी सी लगा देते हैं और उसके बाद इस नेचर में इसको ये वापस मुक्त कर देंगे। दोस्तों जो हल्दी होती है वो एंटीबायोटिक होती है और ये बिल्कुल नेचुरल तरीका है सांपों को ट्रीट करने का। अगर उन्हें घाव ज़्यादा बड़ा नहीं है तो आप इस तरह से जो है उन्हें ट्रीट कर सकते हैं। तो दोस्तों हम इसको रिलीज़ कर रहे हैं वापस नेचर में।